हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वैकेंसी आपने टाइटल में देख लिया होगा, अमेजोन कंपनी के लिए है। तो अमेजोन कंपनी में जो ये रोल रहेगा आपका कस्टमर सर्विस रोल है। एंड आपको बताना चाहूंगी कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। एंड जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे देन उसके बाद आपके पास एक दो मिनट के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर उसका ऑन द स्पॉट टेस्ट का लिंक आ जाएगा। देन आप उसके में टेस्ट देंगे, देन उसके बाद आपको फाइनल एचआर के साथ एक दो दिन और में कॉल आ जाएगी, देन आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको समरी बता दी है रोल की। अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में सबसे पहले आप लिंक ओपन करेंगे, वहां पर आपको अमेजोन की सारी वैकेंसीज के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारे रोल्स के लिए वैकेंसीज निकली है, तो मैंने ब्लॉग में दो रोल मार्क करे हैं जो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें स्टेट वाइज रोल्स भी निकले हैं, इसलिए मैंने एक कैटेगरी डाली है मैनी मोर के नेम से। वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसीज निकली है, सो दैट आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन जो हमारे पास दो रोल्स निकले हैं, तो नंबर वन मैं बताती हूँ, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया 2023। ये आपका कस्टमर सर्विस रोल निकला है, ये सबके लिए निकला है, तो ये एक बहुत अच्छा रोल है। देन सेकेंड रोल हमारे पास निकला है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस इंडिया। तो ये दो रोल निकले हैं, अगर आप जिसमें भी आपका एक्सपर्टीज है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। तो ये आप सभी फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस जॉब को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड एनी ग्रेजुएट पीजी इज एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएटेड है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएटेड है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है, आप सभी लोगों को ट्राई करनी चाहिए। बिकॉज अमेजोन एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। देन ये एक मतलब थम्सअप है, आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए। देन इसके बाद हम इसके रोल के बारे में देख लेते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। तो रोल आपका रहने वाला है कस्टमर सर्विस रोल। तो कस्टमर सर्विस रोल आप जानते हैं कि जैसे कि अमेजोन एक कंपनी है, वहां पे यूजर्स होते हैं यानी कि कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि हम लोग भी अमेजोन कंपनी से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो उनमें जो भी क्वारी आती है, लाइक अगर वो प्रोडक्ट डैमेज आया है या फिर उस प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट रॉन्ग उनको डिलीवर हुआ है या फिर वो कुछ क्वारी जानना चाहते हैं कि ये कब तक आएगा या फिर कोई बिजनेस स्पेसिफिक इशू के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आपको कॉल करते हैं। एंड वो कॉलिंग वाला जो काम होता है वो है कस्टमर सर्विस का। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है अमेजोन की तरफ से, देन उसके हिसाब से आप कस्टमर्स को रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो यही आपका वर्क रहने वाला है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। तो यही आपका रोल है कस्टमर सर्विस का। देन उसके बाद हम इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। सेकंड है कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स, टेरी अबाउट नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज, इट्स लाइक कि आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, आपको आउटलुक का थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स हमारे कंप्यूटर नॉलेज में आते हैं। देन उसके बाद है कस्टमर सर्विस फोकस। कस्टमर फोकस तो रहना ही चाहिए क्योंकि कस्टमर सर्विस स्किल है। तो ये हमारे स्किल्स है जो रिक्वायरमेंट है। देन मैंने अप्लाई जो भी अप्लाई लिंक्स है हमारे डायरेक्टली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे वो मैंने सारे पुट किए हैं, तो आप उसे डायरेक्टली ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ, बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के, यानी कि आपको 100-150 मील पास मिलेगा नंबर वन, वो अराउंड 1100 रुपीस का होता है, सो दैट आप उसमें ना कुछ भी होम डिलीवरी खाने से रिलेटेड मंगवा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए। सेकेंड है 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये आपका सेकंड बेनिफिट हो गया है। थर्ड है आपका नाइट अलाउंस मिलता है, यानी कि नाइट शिफ्ट अगर आपकी होगी तो इनका अराउंड 150 रुपीज एक्स्ट्रा होता है, तो एक महीने का अराउंड 4500 होता है। तो आप 4500 यानी कि 4500 रुपीज एक्स्ट्रा कमा सकते हैं अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है। तो ओवर टाइम अलाउंस भी मिलता है, यानी कि पर घंटे के हिसाब से कि आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं अगर आप 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड देन है इंटरनेट अलाउंस, इनका इंटरनेट अलाउंस अराउंड 1250 रुपीज का होता है। तो इंटरनेट अलाउंस भी काफी अच्छा है कि आपको ये इसका भी खर्चा दे रहे हैं, ये सब सैलरी के अपार्ट है, तो ये काफी अच्छे बेनिफिट्स है। तो आप सभी लोगों को ये अप्लाई करना चाहिए, काफी अच्छी वैकेंसी निकली है विद प्रॉपर बेनिफिट्स एंड रूल्स।
तो यही था इस बेनिफिट्स के बारे में। तो अब मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट व्यू में ले जाती हूँ कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप जब ब्लॉग का लिंक ओपन करेंगे, वहां पर आपको तीन लिंक्स दिखेंगे, जॉब रोल 1 जो मैंने आपको बताया कस्टमर सर्विस रोल के बारे में, जॉब रोल 2 जो मैंने आपको बताया टेक्निकल रोल के बारे में। तो जॉब नंबर 3 में जब आप मैनी मोर वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो वहां पर ना आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको थर्ड ऑप्शन देखना है कि यहाँ पे लिखा है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। देन सेकंड है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली है स्टेट वाइज भी, डिजिटल एंड डिवाइस टेक्निकल सपोर्ट हैदराबाद इंडिया, ये भी एक सपोर्ट निकला है, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट दिल्ली एनसीआर, यानी कि दिल्ली एनसीआर वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन है वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट दिल्ली इंडिया, ये सिर्फ दिल्ली का निकला है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल इंडिया का भी निकला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट वाइज यहाँ पर रोल्स निकले हैं, तो अगर आप उस स्टेट के हैं तो आप उसी में ही अप्लाई कीजिएगा। देन यही सब है। तो सबसे पहले हम ना ऑल इन वन टोटल वाला ले लेते हैं, जो है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट इंडिया 2013। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सब कुछ लिखा है, जो भी मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे लिखा है, एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। देन उसके बाद है यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा आएगा, तो आप इसे राइट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका वही सब, लीगल नेम, लीगल लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका, एंड डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कोई कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करना है, हाउ डू यू हियर अबाउट दिस कंपनी, तो अगर आपने मेरे थ्रू हियर किया है तो आप यूट्यूब मार्क कर दीजिएगा, एंड वट इज योर नेटिव लैंग्वेज, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस लेवल, आपने कहाँ तक आपका एक्सपीरियंस है, आर यू विलिंग टू वर्क इन नॉन टेक्निकल कस्टमर सर्विस एसोसिएट रोल एंड रिक्वायर्स टू डू द रोटेशनल शिफ्ट, तो येस कर दीजिएगा। तो इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उसमें येस कर दीजिएगा। एंड पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ अटैच करनी है, देन आपको इनको अपनी क्लियरेंस देनी है, आई एग्री, देन उसके बाद आपको ये कर देना है सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके थोड़ी ही देर बाद आपके पास टेस्ट का लिंक ओपन हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा, वहां पर आप टेस्ट देके, वर्सन टेस्ट होता है इंग्लिश से रिलेटेड एंड सिचुएशन बेस्ड, बहुत ही इजी टेस्ट होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप लोगों को अगर कोई भी इशू होता है अमेजोन जॉब से रिलेटेड अप्लाई करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप आई विल रीच आउट टू यू एंड हम जरूर उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। सो यस फ्रेंड्स, आज यही था इस वीडियो के बारे में। अमेजोन में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, सो भी फ्रेशर्स है या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं, इफ दे वॉन्ट सम चेंज, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, तो आप लोगों को जरूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरी वन, एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।